वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो दुनिया में बहुत बड़ा एक नाम पाना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके कारण आप जैसे हम जैसे असाधारण विद्यार्थियों को बहुत बड़े स्तर पर जाने। हाँ, हम सब लोग चाहते हैं कि हमें जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं मिले, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान नहीं देने के कारण हम में सारी योग्यताएं क्षमताएं होने के बावजूद भी हम उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि हमसे भी साधारण लोग बहुत बड़े स्तर पर पहुंच पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है एक ऐसा वीडियो होगा जो आपके अंदर एक इस तरह की बेचैनी पैदा करेगा, इस तरह की असंतुष्टि पैदा करेगा, इस तरह की आग लगाएगा कि जो आपको जब तक सफलता प्राप्त नहीं करोगे आपको बेचैन रखेगी, असंतुष्ट रहेगी और लगातार पुश करता रहेगा। और ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये मेरे कई सालों का जो अध्ययन है उन सबके आधार पर बनाया है। इसी वीडियो में जो मैं बातें बता रहा हूँ इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने अपना कर एक नेशनल लेवल का MPPSC लेवल के और MPPSC और भी बहुत सारे एग्जाम जो टेट वगैरह सारे कई सारे जो एग्जाम मैंने गवर्नमेंट के निकाले हैं वो सारे चीज़ों का जो मेरा निचोड़ है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। यदि ये वीडियो आप पूरी तरह देखते तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद एक अलग सा आत्मविश्वास होगा आपके अंदर, एक करने के प्रति एक अलग इच्छा होगी और फिर आप बेचैन हो जाएंगे और एक ऐसी बेचैनी होगी जो हर महान व्यक्ति में थी, हर सफल व्यक्ति में थी, जिसके कारण उन्होंने हम जैसे साधारण होते हैं भी ऐसे बड़े बड़े कार्य करके जा चुके हैं। और आज भी दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हम जैसे साधारण हैं लेकिन असाधारण कार्य कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहला पॉइंट है एक ऐसे काम को करना जिसके लिए आप अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सचिन को देख लीजिएगा। सचिन ने केवल एक क्रिकेट के बैट और बॉल की सहायता से अपने आप को गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाया। आज आप संजीव कपूर को देख लीजिए, केवल एक साधारण बनाने वाला व्यक्ति के 80 देश में 120 रेस्टोरेंट हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, उन्होंने एक्टिंग के जरिए बॉलीवुड के एक इतने बड़े मेगा स्टार है। आप जॉनी लीवर को देख लीजिए, उनकी कॉमेडी के कारण आज पूरा भारत उनका फैन है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, उसने एक काम को पकड़ा और इतना अच्छे से किया, इतना अच्छे से किया कि उसकी काम ही उसकी पहचान बन गई। तो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट है योर वर्क इज योर आइडेंटिफिकेशन, आपका काम ही आपकी पहचान है। आप MBA चाय वाले को देख लीजिए, उसने चाय जैसे साधारण चीज को लेकर एक इतना बड़ा नाम कमा लिया, एक इतनी बड़ी पहचान बना ली, आज लोग उसके फैन हैं। कारण केवल एक है कि उसने अपने जो काम है उसको इतने दिल से किया कि वो काम ही उसकी पहचान बन गई। तो योर वर्क इज आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नो योर सेल्फ, खुद को जानो। ऐसी दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है जो आपको अपने बारे में बता दे कि आप किस में बेस्ट है और आप कैसा सोचते हैं और आपकी क्या क्या क्षमताएं हैं जो आप कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, उसके लिए आपको खुद को अकेले में बैठना होगा, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, ऐसे वीडियो चैनल देखने होंगे, ऐसे लोगों से मिलना होगा जो आपको अपनी क्षमताओं से एहसास करवा सके। लेकिन ये सारे लोग एक्सटर्नल सपोर्ट हैं, आपको इसको डेवलप करने के लिए खुद को समय देना होगा, इंटरनली अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा। और खुद के साथ जब आप अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करेंगे कि जो दुनिया के बाकी के लोगों में ऐसा क्या था कि वो लोग इतने बड़े स्तर पर पहुंच गए, ऐसा काम कर दिया, हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो मुझे रोक रही है, मेरे और उनके बीच में क्या है। वो भी साधारण लोग थे, उनको भी भगवान ने मेरे जैसा शरीर दिया था, दिमाग दिया था, लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंच गए और मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसी कौन सी चीज जो मुझे रोक रही है उस चीज को पाने के लिए, मुझे कौन है जो बार बार उन चीजों को प्राप्त करने से रोकता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही ऐसा नहीं सोचता हूं कि मुझे स्तर पर प्राप्त उस स्थान को प्राप्त करूं, उस स्तर पर जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लिमिटेशंस है वो मेरे दिमाग में ही है। क्योंकि दुनिया में लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस हमारे माइंड में बनती है और हम उन लिमिटेशंस के अंदर रह जाते हैं। दुनिया पूरी खुली है, आप जितना बड़ा अपने आप को अनलिमिटेड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन सबको करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग में जो लिमिटेशंस, जो सीमाएं बंधी है उनको हटाना होगा, तभी जाकर हम दुनिया में अनलिमिटेड होंगे। क्योंकि अंदर की लिमिटेशन हमें बाहर लिमिटेड कर रही है, जिस दिन हम अंदर से अनलिमिटेड हो जाएंगे उसलिए पूरी दुनिया हमारे लिए अनलिमिटेड है। और जो भी लोग बहुत बड़े स्तर पर जाते हैं उनके विचार बहुत बड़े रहते हैं, उनकी सीमाएं बहुत बड़ी रहती हैं, इसीलिए वो अंदर से जब इतने अनलिमिटेड होते हैं तो दुनिया में भी अनलिमिटेड कर
पाते हैं और उसका सबसे मुख्य कारण होता खुद को जानना। धीरूभाई अंबानी दसवीं फेल थे, उन्होंने जाना कि मैं बिजनेस बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। बाबा रामदेव आठवीं फेल है, उन्होंने देखा कि मैं बेस्ट तरीके से योगा कर सकता हूँ। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उन्होंने देखा कि मैं क्रिकेट के बैट से बहुत बेस्ट कर सकता हूँ। आप किसी को भी देख लीजिए जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन किया या सफल हुए हैं, उन्होंने देखा कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, उस काम में दिलो जान से लग गए। और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिल गेट्स को देख लीजिए जिन्होंने पूरा कॉलेज नहीं किया, मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए उन सबको देख लीजिएगा। उन्होंने जो क्रांति लेके आए हैं वो खुद के विश्वास पे था, खुद को जाना कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, जो भी बेस्ट कर सकते थे उसमें लग गए। डियर्स, थर्ड पॉइंट है जल्दी उठना। हम जानते हैं कि यदि हम 4 बजे उठते हैं तो बाकी के लोग जो 6 बजे उठते हैं हम उनसे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका, शांत माहौल में काम करने का जो तरीका, वो ज्यादा बेहतर रहता है। उस समय कोई उठता नहीं है तो आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं। मैं एक वीडियो को बनाने के लिए लगभग 5:30 बजे उठाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि 6:30 बजे या 7 बजे मेरी फैमिली उठ जाएंगे, बच्चे उठ जाएंगे, बाकी के लोग आसपास उठ जाएंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे। तो कारण क्या है कि मुझे यदि कुछ करना है लाइफ में, एक्स्ट्रा करना है, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट डियर वो है नो पेन नो गेन। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में आप भी चमको, आप एक शाइनिंग स्टार की तरह दुनिया में बनना चाहते हैं, तो आपको एक चीज सीखना होगी कि बिना दुख दर्द के आप महान नहीं बन सकते, आप सफल नहीं बन सकते। जिनको आप बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं उन सब लोगों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई है, उन्होंने बहुत कुछ खोया है, उन्होंने कई बार अपने आप को उन खुशियों से रोका जो हर कोई साधारण व्यक्ति जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उसी कारण आज वो आपके लिए प्रेरणा है। नो पेन नो गेन, यदि जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो इन साधारण चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिसके पीछे हर कोई जा रहा है, क्योंकि असाधारण बनने के लिए आपको इन छोटे छोटी चीजों के सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे, तभी जाकर आप असाधारण बन सकते हैं। इसलिए नो पेन नो गेन। अगला वर्ड है या मैं अगला पॉइंट बताना चाह रहा हूं, लोगों से मना करना सीखें। आप हर चीज में लोगों से हाँ नहीं कर सकते। आप यदि हर जगह पर हाँ करेंगे तो आपके पास अपने आप के लिए कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए समय ही नहीं होगा। आप अपने आप को खुद को डेवलप करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा, खुद का सेल्फ एनालिसिस करने का समय नहीं रहेगा, आप अपना काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहीं पर आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आपको बहुत छोटा सा आउटपुट मिल रहा है, तो वहां पर आपकी दोस्ती हो, यारी हो, रिश्तेदारी हो, फ्रेंड हो, जो भी कुछ हो, वहां पर आपको मना करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका वैल्यूएबल या प्रोडक्टिव जो टाइम है वो उन चीजों में वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप उनको पोलाइटली बताएं कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, निश्चित तौर पे हम वापस बैठेंगे और पूरे मन के साथ बैठेंगे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिए। और डेफिनेटली यदि आपके अच्छे दोस्त हैं तो समझ जाएंगे, और या साथी है, घर वाले, कोई भी, लेकिन यदि वो ठीक नहीं है तो फिर ऐसे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छा होगा वो आपका हमेशा भला चाहेगा और आपको आगे बढ़ते हुए देखेगा। अगला पॉइंट एडियर्स पॉइंट नंबर 5, वो डोंट कॉपी टू अदर्स। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया के एक महान फिलोसोफर एमर्सन ने कहा था कि बिलीव इन ओरिजिनल थिंकिंग रादर देन मेयर थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब है आपके खुद के आइडियाज। आज आप दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हैं सब दूसरों के द्वारा किया हुआ है, और हम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, उन्हीं के जैसा करना चाहते हैं, लेकिन हम यूनिक क्यों नहीं करना चाहते, हम यूनिक क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आपको ईश्वर ने वो ब्रेन नहीं दिया क्या जिसकी सहायता से दुनिया में इन लोगों ने इतना सब कुछ किया है? आपके पास भी वो सारी क्वालिटीज है, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जबकि आप अपनी खुद के विचारों में यकीन करेंगे, आपकी खुद के विचार में आप यकीन करेंगे। इसलिए आप दूसरे के विचारों की नकल करने के, दूसरे की चीजों की नकल करने के, आपके खुद के बारे में सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके कारण मेरे कारण लोगों को एक प्रेरणा मिले, एक अलग पहचान मिले। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बेहतर विचारों का स्वागत नहीं करना है, करना है, लेकिन उन सारी चीजों के बाद आपको अपने खुद के विचार की सहायता से आगे बढ़ना है, आपके खुद के आइडिया जनरेट करना है, आपके खुद के दम पे आगे बढ़ना, ना कि उनको कॉपी करें, क्योंकि जिनकी कॉपी करेंगे डेफिनेटली वो हमेशा आपसे आगे रहेंगे। इसलिए आप खुद के विचारों को डेवलप करें। नेक्स्ट पॉइंट है टेक रिस्क। यदि आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं लूंगा और सफल हो जाऊंगा तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और साधारण जीवन जीने में भी रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं है, आप कमरे में सो रहे और यदि पंखा आपके ऊपर गिर गया, आप बाइक चला रहे, आप रोड पे से जा रहे हैं और कोई बाइक वाला आके आपको ठोक देगा, आप ये बता रहे आप जो खाना खा रहे हो सकता है उसमें कुछ ऐसा पॉइजनस मटेरियल किसी कारण से गिर गया जो कहीं और से आया हो, और बाय द वे आपने खा लिया। रिस्क कहाँ नहीं है, आपके जीवन की रिस्क हर जगह है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं पढ़ाई करूंगा, मैं सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, यदि असफल हो गया तो क्या हो गया? भैया यदि तुम असफल हो गए
तो क्या तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा? मुझे आप ये बताइए कि आप असफल हो गए, आपने नॉलेज तो प्राप्त किया है ना, उस नॉलेज का उपयोग करो लोगों को देने के लिए, लोग उसकी नॉलेज की सहायता से आप आगे बढ़ो। और यदि आपने सच्चे मन से प्रयास किया तो आप असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर या जितने भी बड़े एग्जाम निकाले गवर्नमेंट के, वो सारे एक छोटे से गांव में रहकर निकाले। जब मैं गांव का बंदा ये सब कुछ कर सकता तो आप भी कर सकते हो, जबकि मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं था, कुछ भी मेरे पास ऐसा साधन नहीं था, लेकिन मैंने सिंपल बुक्स खरीदी, दो दो ढाई ढाई हजार रुपए का मटेरियल लेके आया, उसके कारण आज मैं एक सेकंड क्लासेस गजेटेड ऑफिसर बना। तो आपको रिस्क लेना होगा, रिस्क लेने पर आपको यदि बाय द वे हो सकता है, यदि किसी कारण से बदकिस्मती से आपको सफलता नहीं मिली जो आप पाना चाहते, तो भी आपके पास जो अनुभव है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। ऐसे कई सारे आईएएस आईपीएस कोचिंग चलाने वाले लोग हैं जो खुद आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने सैकड़ों लोगों को बना दिया, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। जरूरी नहीं कि आप जो पाना चाहते उसी चीज के लिए आपका जन्म हुआ है। यदि हम इस तरह उदाहरण ले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो पायलट बनना चाहते थे, शायद वो पायलट बन जाते तो आज उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि कभी कभी ईश्वर आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, इसलिए आपको छोटे काम में नहीं लगाता है। इसलिए कभी कभी आपको लक्ष्य नहीं मिलता तो आप उसको अदरवाइज ना ले, आपके पास जो नॉलेज गेन किया है उसका उपयोग करें और उसकी सहायता से दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। अगला पॉइंट है गिव टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को समय दो, अपने आप की कमियों को जानो, अपने आप की स्ट्रेंथ को जानो, अपने आप से पूछो कि मैं किस चीज में बेस्ट हूं और मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती है, यदि आप उसमें सुधार कर सकते हैं तो आप उसमें सुधार कीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों में सुधार नहीं कर सकता तो उन चीज को छोड़ दीजिए। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी प्लस पॉइंट पे डालिए, अपनी स्ट्रेंथ पे डालिए, उन क्वालिटीज पे डालिए जो कि आपकी लाइफ में आपको एक शाइनिंग स्टार बनाए, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ही आपको शाइनिंग स्टार बनाएगी। लेकिन आपको उन क्वालिटीज को शार्पन करना पड़ेगा, उन क्वालिटीज को और बेहतर करना है। दुनिया के जो बेस्ट लोग उनको देखो और उन लोगों को देखने के बाद उनके जैसा बनने का जैसा प्रयास करो, उनसे बेहतर बनने का प्रयास करो, उनसे भी बेहतर बनने का प्रयास आप कर सकते हैं, और प्रयास ही इंसान को महान बनाता है। अगला पॉइंट है व्हाट इज योर फर्दर प्लानिंग, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 20 साल बाद आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में कहां पर देखते हैं, आज से 15 साल के बाद, 10 साल के बाद अपने आप को किस रूप में देखते हैं। आप यदि अपने आप के लिए बड़े सपने नहीं देखेंगे, आज से आज आप जहां पर हैं वहां से अपने आप को 10 या 15 साल की प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। जब आपके सामने लक्ष्य होता है तो आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपने देखो, बड़े सपने देखो। बड़े सपने क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि यदि कोई बंदा 100% एग्जाम का टारगेट लेकर और यदि प्रिपरेशन करता है और यदि 70% भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 60 भी आते हैं, 80 भी आते हैं, तो फायदे में बजाय उसके जो 33% का लक्ष्य प्राप्त करने का सोचता है 33% लेके आ जाता है, क्योंकि उसने लक्ष्य इतना छोटा रखा था कि पूरे के पूरे मार्क्स लाने के बाद भी वो कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखे ताकि लक्ष्य बड़े होने पर यदि कम भी प्राप्त करेंगे तो वो प्राप्त करेंगे जहां साधारण लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो अपने आप का फ्यूचर प्लानिंग का आज से 10 या 15 साल के बाद अपने आप को आप कहां देखना चाहते हैं, आपके उस लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड कीजिएगा। अगला पॉइंट है वो है पेंडिंग काम को पूरा करना सीखना। अक्सर कई बार ये होता है कि हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं और हम उनको बस आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं, जबकि वही पेंडिंग काम को आप यदि पूरा कर लेंगे तो आपका आधा काम हो गया, आधा और उसको करके आपका मतलब एक सफलता का एक नया एक माइलस्टोन बन जाएगा। आप अपनी आधी क्षमता, आप अपना आधा समय, आधा सब कुछ इस पे लगा सकते हैं तो उसको पूरा अंजाम तक पहुंचाए, और वही काम करें जिसमें आपका खुद का मन लग रहा है, किसी और से प्रेरित होकर नहीं करें, अंदर की इंस्पिरेशन से करें, अंदर के डिवाइन फोर्सेस से करें, अंदर के अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आप कार्य करें। निश्चित तौर पर आप उस कार्य को करेंगे, क्योंकि अंदर की आत्मा की आवाज, अंदर का जो डिवाइन फोर्स है, अंदर का जो ड्राइव फोर्स है, वो आपको जब तक कि आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे आपको बेचैन रखेगा, और जहां बेचैनी है, जहां संतुष्टि नहीं है, वहां इंसान परेशान रहता है। परेशान इंसान अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को एक सुखद स्थिति में पहुंचाने के लिए तब तक प्रयास करता रहता जब तक कि उसको वो चीज नहीं मिले। इसलिए अपने आप को परेशान रखिए, टाइम जा रहा है, कुछ करो नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। देखो समय जा रहा है, यदि इसी समय पर चाहता तो मैं बैठा रहता और कुछ भी करता रहता, मोबाइल चलाता रहता, स्क्रॉल करता रहता, और इसी समय पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैंने एक बार यदि YouTube पर अपलोड कर दिया तो ये पड़ा रहेगा, इसे लोग देखते रहेंगे और मैं इस चीज को भूल जाऊंगा। कारण क्या है? आप या तो कुछ प्रोडक्टिव काम करो या डिस्ट्रक्टिव काम करो, आपको टाइम वेस्ट करना है कि टाइम इन्वेस्ट करना है। मेरा ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैंने मेरे बाकी के काम जो थे साधारण काम उनको छोड़ दिया,
डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि टाइम तो कभी नहीं रुकेगा, टाइम जाता जा रहा है। आप चाहो तो टाइम में, इसी टाइम में रहकर कुछ ऐसी चीज की तैयारी कर लो जो कि भविष्य में आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। आप अच्छा इनपुट कर दो ताकि आपको भविष्य में अच्छा आउटपुट मिलेगा, और यदि नहीं किया तो टाइम तो नहीं रुकेगा, वो उसका काम करता रहेगा। इसलिए टाइम जा रहा है, इसका यूज करो। अपने आप से पूछो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं। यदि वेस्ट कर रहा हूं तो तुरंत अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं पूछना है कि नहीं मुझे अब ये नहीं करूंगा, अब मैं इसको इन्वेस्ट के रूप में यूज करूंगा। अगला पॉइंट है एक्शन टू रिएक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल साधारण बात करना चाहता हूं मैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा इनपुट करोगे वैसा आउटपुट प्राप्त करोगे, जैसी एक्शन लोगे वैसे ही रिएक्शन होगा। तो फिर सिंपल सी बात है, अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में क्या होना चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या दिखना चाहते हो, आप अपने जीवन में किस स्तर पर अपने आप को ले जाना चाहते हैं, वो सारे सपने देखकर वो सारे काम करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए वो बोना शुरू कर दीजिए जो आप भविष्य में काटना चाहते हैं। तो जो बोओगे वही काटोगे, तो क्यों ना हम अपने जीवन में वो चीज बोना शुरू करें जो हम भविष्य में काटना चाहते हैं। अब आप अपने आप को देखिए कि आप अपने जीवन में किस स्तर पर अपने आप को देखना चाहते हैं, किस स्तर पर आप दुनिया को अपने आप को दिखाना चाहते हैं, किस स्तर पर आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं, किस स्तर पर आप लोगों के लिए प्रेरणादायी पुरुष बनना चाहते हैं। क्या आपके मन में ऐसी इच्छा है कि लोग आपको एक प्रेरणा पुरुष के रूप में जाने? क्या आपके रूप में एक ऐसी इच्छा है कि आपके क्षेत्र के लोग आपके ऊपर गर्व करें, आपके माता पिता गर्व करें, आपका देश गर्व करे? और यदि ऐसी इच्छा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए वैसा सोचना और उन सपनों के साथ साथ उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आगे का रास्ता ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा। मोबाइल का यूज करते हैं कि मिसयूज करते हैं? लोग मोबाइल का मिसयूज बहुत करते हैं, और आजकल एक बहुत बड़ी परंपरा चल गई है, मोटिवेशन वीडियो देखना। मोटिवेशन एक ऐसा एडिक्शन है कि आप लोग इतना ही देख लो, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे आपका मोटिवेशन यूजलेस है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। यदि मोटिवेशन लेने के बाद यदि आप एक्शन लेते हो तो मोटिवेशन यूजफुल है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप उन लोगों को देखिए, जब मोबाइल नहीं था, जब मोटिवेशन नहीं था, उन लोगों ने कैसे काम किया? क्योंकि उन्होंने अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनी थी, और उसी कारण वो लोग उस काम को करते रहे। आप ऐसे काम को चुनिए जो आपको बैठने नहीं दे, जो आप में आग लगा दे, जो आपको बेचैन महसूस करवाए, तो ऑटोमेटिकली उस मोटिवेशन से बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं होता। आपके पास इंस्पिरेशन होना चाहिए, अंदर की आग होना चाहिए, ना कि बाहर की आग हो। अगला पॉइंट है फोकस ऑन योर वर्क्स। आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आपने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया तो आप बकवास चीजों पे ध्यान देंगे, और जब आप बकवास चीजों पे ध्यान देंगे, जब आप अननेसेसरी चीजों पे ध्यान देंगे, तो ऐसा बोलते हैं एन आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप अनावश्यक प्रॉब्लम में घिरेंगे, या आप अनावश्यक लोगों के बीच में जाके बैठेंगे जो कहीं ना कहीं आपके अंदर बैड क्वालिटी डेवलप करेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम में बेहतर बनते जाए। आप अपने काम पे, आप जैसे उदाहरण के लिए स्टूडेंट है, आप हर दिन केवल एक क्वेश्चन भी पढ़ते तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन आप यदि एक दिन में एक क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप यदि एक दिन में एक पेज पढ़ते तो 365 दिन में 365 पेज पढ़ देंगे, सोचो एक बुक के बराबर पढ़ देंगे। आप एक दिन में 10 पेज पढ़ते हैं तो 365 दिन में 3650 पेज पढ़ देंगे। सोचिए, क्या हम एक दिन में 10 पेज नहीं पढ़ सकते? और यदि आप 3650 पेज यदि पढ़ लेते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, छोटे मोटे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। मैंने ऐसी कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम केवल सिंपल यू जनरल पढ़ते पढ़ते ही निकाल लिया है। उसका एक सिंपल सा कारण ये था कि बस मैं पढ़ता रहता हूँ, अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए पढ़ता हूँ, मुझे मजा आता है। और उसका नतीजा मुझे ये मिला कि मैं कई एग्जाम में निकल गया जिसके लिए मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन साधारण तौर पर पढ़ने के कारण। तो आप अपना नॉलेज एनहेंस करते रहे, आप अपने काम पे फोकस करें। आप जिस भी क्षेत्र से हो, आप उस क्षेत्र में अपने आप को हर दिन कुछ न कुछ उसमें नया सीखे, कुछ न कुछ ऐसा इंप्रूव करें जो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण हो, आपके काम को बेहतर बनाए। अगला पॉइंट है पैसा इन्वेस्ट करते रहें। आप पैसा इन्वेस्ट करना क्यों है? देखो भाई, आज इस दुनिया में सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। 90% लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिना पैसे के अधिकांशतः काम नहीं हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा समय की तरह। या तो जिस तरह आप टाइम को वेस्ट कर दो या इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दिया तो उसका आउटपुट बेहतर मिलेगा, उसी प्रकार पैसा है। आपके पास छोटा छोटा अमाउंट है, आप उस छोटे छोटे अमाउंट को कुछ ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करो, कोई ऐसा प्लानिंग करो जिसमें कि आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना आपकी क्षमता हो पर डे आप उसमें आप डालते रहो या इन्वेस्ट करते रहो। वो आपका पैसा जब भविष्य में जरूरत पड़ेगी एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा।
कहते हैं कि एकदम पानी आने से बाढ़ नहीं आती, लेकिन जब लगातार कई दिनों तक बारिश लगातार छोटी छोटी बूंदे गिरती रहती तो उसके कारण बाढ़ आती है। तो मेरा सिंपल सा कारण ये है कि आप लोग छोटे छोटे बूंद की तरह आप छोटे छोटे प्रयास करते रहो, लगातार काम करते रहो, वो एक दिन एक बहुत बड़े अमाउंट के रूप में आपके सामने होगा और जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएगा। तो आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहो, ये सारा इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट के रूप में आपके सामने आएगा। अगला पॉइंट है आपकी कंपनी कैसी है, ABC। एलन मस्क ने कहा था यदि आप 5 अमीरों के बीच में रहते हो और आप यदि 5 आप एक गरीब हैं, लेकिन आप 5 अमीरों के सॉरी आप 4 अमीरों के बीच में रहते हो और पांचवे आप है जो गरीब है, तो डेफिनेटली आप पांचवे अमीर होंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपकी कंपनी आपको प्रभावित करती है। आप उदाहरण के लिए ABC मान लीजिए और अपने आप को बी मान लीजिए। आपके ए वाले और बी वाले यदि दमदार है, आपके ए और सी वाले यदि दमदार है सॉरी, तो डेफिनेटली बी वाला भी दमदार हो जाएगा। तो आप अपने ऐसे लोगों के आसपास में रहिए, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करें, ऐसे लोगों से सीखें, ऐसे लोगों से बातचीत करें, ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों के आसपास उनके साथ समय बिताए जो कि आपसे कई गुना बेहतर है, क्योंकि बेहतर लोगों के साथ रहकर आप भी बेहतर बनेगा। इसलिए अपनी कंपनी को अच्छे से ध्यान रखकर चुने कि मैं किन लोगों की कंपनी को चुन रहा हूं। हम हमेशा इसलिए साधारण रह जाते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो मिलने वाले हम जिन लोगों की संगति में रहते हैं वो भी साधारण है, लेकिन जब हम असाधारण लोगों की संगति में जाएंगे तो डेफिनेटली आप भी असाधारण बनेंगे। अगला पॉइंट है स्पीक पॉजिटिव योर सेल्फ। अक्सर कई बार हम अपने आप को नेगेटिव बोलते रहते हैं, इसलिए हमारी मेंटालिटी नेगेटिव होती है, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें आप जो भी बोलोगे वो सारी चीज स्टोर होती है और उन्हीं के आधार पर आपके विचारों का निर्माण होता है, और जो विचार होते हैं उसी के कारण हम एक्शन लेते हैं। तो आप अपने आप को बोले यस आई कैन डू इट, Why can I not do it? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, बाकी के लोग ऐसा कर सकते तो मुझे कौन नहीं करने देगा ऐसा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है, मैं भी करके दिखाऊंगा, yes I can do it। जब आप अपने आप को पॉजिटिव बोलेंगे तो आपके अंदर एक उत्साह होगा, आपके अंदर एक आग लगेगी, आपके अंदर एक जोश लगेगा, और ऐसे जोशीले लोग ही ऐसे उत्साहित लोग ही बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि बिना उत्साह के कोई भी काम नहीं हो सकता है। एक उत्साहित व्यक्ति 1000 से ज्यादा बेहतर है, ऐसा कहते हैं एक शेर का बच्चा एक ही अच्छा, मतलब बहुत सारे गीदड़ के बच्चों की तुलना में या कुत्तों के बच्चों की तुलना में शेर का बच्चा एक ही अच्छा होता है, क्योंकि वो अकेला ही सबसे दमदार और भारी पड़ता है। मेरा कहने का मतलब आप यदि उत्साहित है तो आप अकेले भी वो कर सकते हो जो हजारों लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए दुनिया को यदि परिवर्तित किया तो उत्साहित लोगों ने किया है। जो बहुत उत्साहित थे, बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी आप में तभी आएगी जब आप उत्साहित होंगे, जब आपके अंदर उमंग होगी। तो अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, क्योंकि उससे आपका कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर बन रहा है, स्टोरिंग हो रहा है, वो सारी चीज कहीं ना कहीं आपके विचारों का निर्माण करती है। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बोले, अच्छा बोले, ताकि आपके मन में अच्छे निर्माण हो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर यकीन करें। अक्सर क्या होता है हम अपने खुद के ऊपर यकीन नहीं करते, हम दुनिया जो कहती है उस पर यकीन कर लेते और उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं कि आप उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं, आप जो अंदर से वही बनो। आप अपने आप को देखो कि मैं किस में बेस्ट हूं, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, मैं मेरे अंदर जो बेस्ट है उससे क्या दुनिया में बड़ा परिवर्तन ला सकता हूं, मैं इस चीज को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, मैं दुनिया में कैसे अपने इन गुणों के कारण, इन योग्यताओं के कारण, इन क्षमताओं के कारण दुनिया में क्रांति ला सकता हूं। तो आप जिंदगी में वो चीजें कर सकते हैं। यदि आप दुनिया में जो देख रहे हो और यदि उनके अनुसार आप यदि उनकी बातों पर यकीन करेंगे तो आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति की अलग अलग सोच है और आप हर व्यक्ति के अनुसार कैसे बन सकते हैं, आप उनके जैसा कैसे जीवन जी सकते हैं। इसलिए खुद पे यकीन करें, खुद की क्षमताओं पे यकीन करें, खुद की योग्यताओं पे यकीन करें, खुद के गुणों पे यकीन करें। और इसीलिए भगवान कृष्ण जब राष्ट्र रूप दिखाते हैं भगवद गीता में तो बोलते हैं कि सब कुछ तेरे अंदर है, सब कुछ तेरे अंदर है, अपने अंदर झांक और अपने आप के अंदर झांकने के बाद देख कि पूरा विश्व तेरे अंदर है और जो जैसा करना चाहता, जो बेहतर हो इस दुनिया के लिए वो करके दिखा, ताकि तो दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाए अर्जुन, और वही आप में भी क्षमता है, लेकिन जानना होगा अपने आप को अंदर से। अगली बात है आइडियाज आर लाइक बबल्स। आपके पास यदि कुछ भी आइडियाज आते हैं तो उन आइडियाज को तुरंत कॉपी में लिख ले और उन आइडियाज को लिखने के बाद उनके ऊपर सोचे, उनके ऊपर सोचो कि मैं कैसे उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूं, उसकी प्लानिंग करें। यदि आइडिया बेहतर है तो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। केवल एक आइडिया आपके जीवन को बदल सकता है, केवल एक आइडिया आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्यों ना हम जरूरी नहीं 1000 आइडियाज क्रिएट करें, एक ही आइडिया यदि दमदार और आपने उस पर एक्शन ले ली तो आप ना कहां से कहां जा सकते हैं। तो कोई एक कम से कम एक ऐसा प्रभावशाली आइडिया अपनी लाइफ में डेवलप करें और उस पर एक्शन ले कि जो आपकी पहचान बन जाए। अगला पॉइंट है मोटिवेट टू अदर्स।
अपना ही जीवन बेहतर ना बनाए, जब आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जब आप दूसरों का जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर बनता है, क्योंकि वो चीजें पहले आपके अंदर आएगी, वो सोच पहले आपके अंदर आएगी, वो शब्द पहले आपके अंदर होंगे, वो विचार आपके अंदर होंगे, वो जो भी कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, अनुभव है, सब कुछ वो सबसे पहले आपके अंदर आपको प्रेरित करेगा, तब जाके वो आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे। इसलिए ऐसे इंसान बने जो खुद बेहतर हो, तो दूसरों को तो बेहतर बना ही दोगे, अपने आप को बेहतर बनाओ, दूसरों को बेहतर बनाओ, दूसरों का भला सोचो, आपका भला अपने आप होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो दूसरे के ऊपर इत्र छिड़कता है वो तो खुद भी इत्र से सुगंधित रहता है। इसलिए अपने आप को बेहतर, अपने आप को देखना चाहते हो तो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का सोचो, डेफिनेटली दूसरे का जीवन भी बेहतर बनेगा और आपका बेहतर बनेगा, तो हम एक अच्छे संसार का निर्माण करेंगे, अच्छी दुनिया, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। अगला चीज हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखो। याद रखो, हर सुंदर व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे जब शादियां होती है, जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हर व्यक्ति कई घंटों तक बेहतर कपड़े को चूज करता है, डिसीजन लेता है, इन विच आई विल लुक बेस्ट, किसमें मैं बेहतर लगूंगा, किसमें मैं मोस्ट हैंडसम या ब्यूटीफुल लगूंगा। अपने आप को सुंदर दिखाएं, क्योंकि सुंदरता हर व्यक्ति को पसंद आती है। सुंदरता का मतलब केवल आंखों से मैं आकर्षण की बात नहीं करता, सुंदरता का मतलब जो प्रभावित करती है, जो लोगों को अच्छी लगती है, जो मन को भा जाए, वो सुंदरता। अपने आप को अपने व्यवहार में सुंदर दिखाएं, अपनी बातों में सुंदर दिखाएं, अच्छे कपड़ों में सुंदर दिखाएं, अपने आप को हर तरह से सुंदर दिखाएं, ताकि हम लोगों के मन को भी भाए, लोगों की मन आंखों को भी भाए। हम आकर्षित नहीं करना चाहते जो कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित करें, हम तो प्रभाव जमाना चाहते हैं लोगों के, भी एक बार हमसे जुड़ गए तो जुड़े ही रहें। और वो सब तब होगा जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, जब हमारा आचरण अच्छा होगा, जब हम बाहर से भी अच्छे होंगे और अंदर से भी हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप ऐसे सुंदर व्यक्ति होंगे जिसे हर कोई पसंद करेगा। और सुंदरता सभी को पसंद है, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, हम बाहर से भी सुंदर दिखे, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा दिखे, तो डेफिनेटली लोग हमसे जुड़ेंगे। अगला पॉइंट है वो है कि बिकम प्रेरणा फॉर अदर्स। आप अपने आप को ऐसे कार्य में झोंक दो जो आपको दूसरे लोग जब देखें तो उनके जीवन में प्रेरणा जग जाए, जो दूसरे के जीवन को बेहतर बना दे। और ये साधारण जीवन है, यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर बन जाएंगे, नहीं तो साधारण जीवन जी के भी मर जाएंगे। कई सारे ऐसे लोग इस दुनिया में जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते थे, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को इम्प्रूव ही नहीं किया, और उसको इम्प्रूव नहीं करने के कारण वो लोग साधारण जीवन जी के चले गए। मेरे दादाजी थे जो एक बीमारी का इलाज करते थे, वो जो बहुत जिसके लिए हजारों रुपए खर्च होते हैं, आज की तुलना में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उन्होंने वो दवाई किसी को भी ठीक तरीके से बताई नहीं और वो दवाई उनके साथ चली गई। नहीं तो लोगों का 100 या 150 रुपये में, मुश्किल से 100 रुपये में उस चीज़ का इलाज हो सकता था जिसके लिए लाखों रुपये खर्च होते हैं। लोगों का ऑपरेशन होता है और कई समय तक बीमार रहते हैं व्यक्ति, उसका फैमिली परेशान होता है, और मेरे दादाजी ने सैकड़ों लोगों को ऐसा सही किया, लेकिन उन्होंने उसकी टेक्निक को किसी को नहीं दिया, और नतीजा ये रहा कि वो टेक्निक उनके साथ चली गई, और वो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो नुस्खा था, वो रेमेडी जो थी, वो उनके साथ ही चली गई थी। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो यदि उस चीज़ को लोगों को बांट देंगे तो लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे, और उस चीज़ को बांटने से जो प्रेरणा होगी उससे एक अच्छा माहौल बनेगा, दूसरे लोगों का जीवन बेहतर बनेगा। इसलिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ करें कि ऐसी प्रेरणा बने कि जिससे दूसरों का जीवन सुधरे। आप यदि जीवन में कुछ भी बेहतर बनते तो केवल आपकी लाइफ नहीं सुधरता है, सारा फायदा आपको मिलेगा, पहचान आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा, प्रसिद्धि आपको मिलेगी, पद आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप कितने हजार लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, आप कितने हजार लोगों के लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि आप कितने लोगों में एक वो आग पैदा कर रहे हैं जो उनको भी बेहतर बनाने के लिए उत्साहित करेगी। आप लोगों के लिए वो आग बने, वो प्रेरणा बने, वो उत्साह का केंद्र बने कि आपको देखने के बाद लोगों में इच्छा पैदा हो जाए कि मैं भी इनके जैसा कुछ करूं, ऐसा गर्वपूर्ण कार्य करे ताकि आपके ऊपर गर्व हो। मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स यदि आप अकेले में बैठकर ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आग लगाएंगे, आपके लाइफ में उत्साहित करेंगे, आपको परिवर्तित करेंगे। इस वीडियो के लिए मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे लाइक करो सब्सक्राइब करो, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहता। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि जब मैं बच्चों को मिलता हूँ, मैं हजारों प्रोग्राम का मतलब कई जगह पर गया हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, कई सैकड़ों प्रोग्राम में जाता हूँ इधर उधर, तो जब देखता हूँ कि बच्चे इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे कि कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना मैं मेरे जो भी अनुभव है जिसके कारण मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने कुछ सफलताएं प्राप्त की, कई सारे एग्जाम निकाले हैं, तो क्यों ना मैं भले मैं भी एक गांव में जन्मा हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी मैं उसको लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि उनका जीवन भी मेरे अनुभव से जो बेहतर बन सकते हैं बने। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने, इससे जो बेहतरीन चीज़ें उनको लिखे अपनी कॉपी में, और
आप इस पे मनन करें, चिंतन करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।